समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर सबसे बड़ी मुसीबत आ गई है। इस बार योगी सरकार और रामपुर जिला प्रशासन की नहीं बल्कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आजम खान के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिया है। जाहिर है कि यहां से निकलना आजम खान के लिए आसान नहीं होगा। असल में आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय के लिए कोसी नदी के किनारे की जमीन पर कब्जा किया है। ये जमीन किसानों की है, जिसको लेकर किसानों ने आजम खान पर केस भी दर्ज कराए हैं। लेकिन आजम खान इसे किसानों का आरोप बताकर योगी सरकार द्वारा बदले की कार्यवाही बता रहे हैं। वहीं एनजीटी ने साफ कर दिया है कि कोसी नदी पर कब्जा किया गया है, लिहाजा एनजीटी ने कोसी नदी पर अतिक्रमण के लिए आजम खान के मोहम्मद जौहर अली विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 13 अगस्त 2019 को एक रिपोर्ट दायर की गई कि ट्रस्ट ने कोसी नदी के किनारे की भूमि को अवैध रूप से हड़प लिया। बोर्ड ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और पट्टे को रद्द करने की कार्यवाही चल रही है। गौरतलब है कि जौहर विश्वविद्यालय आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके लिए पूर्व की सपा सरकार ने कई नियमों को ताक में रखकर जौहर विश्वविद्यालय को अनुमति दी थी, लेकिन राज्य में योगी सरकार आने के बाद रामपुर के लोग ही इसका विरोध करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।